अस्सलाम वालेकुम सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी सिंह। माय नेम इज सैफला बुज़दार। गाइज आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इफ़ का फार्मूला किस तरह यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और इस जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम सीखेंगे अंडर एज एंड ओवर एज में ये इफ़ फार्मूला किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं यूज़ करते हैं। सो हम टॉपिक की तरफ ही आते हैं, यानी देखते हैं किस तरह हम इस फार्मूले को ऐड कर सकते हैं इसमें। सो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू टाइप करता हूँ। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ पे इफ़ टाइप करता हूँ, छोटी ब्रैकेट में लगाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉलम एंड रो, एंड यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप करता हूँ कि ये छोटा है या बड़ा है। अगर बी फोर छोटा हो, बराबर हो 33 के, तो ये हमें, यहाँ पे कॉमा टाइप करता हूँ, ये हमें अंडर एज बताए। मैं कॉमा देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन को बंद नहीं किया, मैं इसको बंद करता हूँ, कॉमा देता हूँ, मैं कॉमा टाइप करने के बाद यहाँ पे दोबारा सेमी कॉलन देता हूँ, एंड यहाँ पे ओवर एज, एंड यहाँ पे कॉमा बंद कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। सो हमारे पास ये फार्मूला ऐड हो गया। ओके करता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ हमने कोई गलती की है, यहाँ पे मैंने इसको सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं दिया। अब देखिए ओके करता हूँ मैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये 33 से नीचे होगा या फिगर 33 के बराबर होगा वो हमारे पास अंडर एज होगा, बाकी ये ओवर एज काउंट होगा जो 33 के ऊपर होगा। तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा, मैं दोबारा एक दफ़ा इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट के ऑप्शन वो दे रहा है। ये देखिए जो 60 एज है वो ओवर एज है, एंड 46 ओवर एज है, 18 ओवर अंडर एज है, एंड यहाँ पे 31 अंडर एज है, एंड 20 अंडर एज है। जो 33 के ऊपर फिगर होगा वो ओवर एज। अब यहाँ पे मैं 18 की जगह 34 टाइप करता हूँ तो ये ओवर एज हमें बताएगा, ये देखिए ओवर एज है। तो अगर आप एक दफ़ा दोबारा हम इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। मैं दोबारा इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिएगा, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दोबारा हम इसको देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल के आइकन प्रेस करके ऑल कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटेड वीडियो आप तक टाइम बाई टाइम पहुँचती रहें। सो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करता हूँ, इफ पर टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं छोटी ब्रेकेट शुरू करता हूँ, यहाँ से वो वाला कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ खुद लिख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से बी हमारे पास कॉलम है, फोर हमारे पास रो है, तो मैं बी फोर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, बी फोर यहाँ से। अब अगर ये देखिए मैं ये सैम्पल इसमें दे रहा हूँ, ये लेस देन का है। अगर बी फोर 33 से छोटा हो, 33 से मैं इज इक्वल टू प्रेस कर देता हूँ, अगर बी फोर छोटा हो, बराबर हो 33 के, तो ये हमें, मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करता हूँ, ये हमें बताए, ये यहाँ पे समीकरण टाइप करता हूँ, ये हमें बताए अंडर एज, और यहाँ पे सेमी कॉलन को बंद करता हूँ, छोटी कॉमा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन देता हूँ, ओवर एज टाइप करता हूँ एंड इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और छोटी ब्रेकर यहाँ पे बंद कर। अब इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिएगा अंडर एज हमारे पास 33 की जो वैल्यू है वो हमारे पास अंडर है। यहाँ अब इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूले में आप ले जा सकते हैं। तो अब इसमें 60 ओवर एज है। उम्मीद है इस फार्मूले की आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट में पूछिए एंड अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।